पाई है। एक बांस सूज ऊंचे चढ़ गए तब भगवान के बगीचा के माली से ब्राह्मण देव हेलो बोलिए संत समाज की। ध्यान रखना, जब बाग के माली से पूछा भैया यहां से द्वारका कितनी दूर है, तो वो माली की भाषा कौन सी थी, इसे आज बंजारे बोलते हैं। जय द्वारका छे, पनीर की छे, फिर हम कौन सी भेजे भैया, यहां के राजा के यहां के राजा कृष्ण छे। अब बेचक्कर हम पड़ गए, जब पता कर लिया कि यही कृष्ण है और यही द्वारका है, जाकर के पत्र दे दिया, लीजिए महाराज खूब मालूमी। तो क्या करें, कहां तला आए हो महाराज, पढ़ ले हो ना, पढ़ के वो चिट्ठी भगवान ने जब हाथ में बंद करी, तब कही पंडित ने बोलो क्या कह रहे हो, जाओगे कि ना? कन्हैया कह रहे चले जाएंगे, चले ना जाएंगे, बिल्कुल तैयार है, जाओ भाई छोरिए के कहा सुमिता टाटा सुटा रही घर में, और क्या बोले ब्राह्मण, अरे करुक मेरी और पेड़े में मर जावेगी जो नहीं जाओ समरिया, रुक मेरी पेड़े में मर जावेगी जो नहीं जाओ समरिया, रुक मेरी पेड़े में मर जावेगी जो नहीं जाओ सफेद रंग के जो रहे हैं। कन्हैया जब तैयार भये तो पंडित जी कही तुम चलो है बेटा ले लो पलंग तो सलाई ना पड़ी तो चलो आ जाओ। तो जो पंडित जी ने डंडा पकड़ो रथ को एक ही पांव टेक पाए, देखो तुमने पहली हेलीकॉप्टर सूद उड़ो तो ऊपर। तो जो कन्हैया ने के सारो करो जाकर घोड़ों ने स्पीड पकड़ी आकर पंडित जी ने की आज ऐसे इन्नू के चक्कर में पड़े सवेरे ते एक चुकटी ते तो भेटा ना भाव ने को डंडा छूट गो तो का बचाओ नीचे ए लला नीचे ना चल सकत कसना बाबा पक नहीं रही बस पहुंचे जा रहे बात ही कर पाए। तब तक तो द्वारकाधीश कुंदनपुर के बाग में उतर। अब कन्हैया ने तो रथ खड़ा कर लिया मंदिर के पीछे, पंडित जी चले। ध्यान कर लेना, कोई अगर काम बन जाता है तो शरीर चौगुना काम करता है, फिर साहस बढ़ जाता है। अब पंडित जी आगे रुकम के भवन तठा रह गए। एक लड़की भीतर से निकली कि बाबा तुम कल ले आए आज फिर आ गए, सब घर ब्याह में लग रहा जाओ कहूं फिर मांग ले जियो। पंडित जी ने कहा कि नटेर कही का गाल मत बजावे, ब्याह कई काम से ठाड़ो अब भी ने मालूम नहीं। अब देख कर बच्चों लड़की ने जी कह दी कौआ मालूम न पड़े। रुक्मणी रो रही थी आंगन में और जैसी दरवाजे पर नजर गई है, अरे बाबा आइए
और पंडित जी ने जान ली कि मेरे ही मोच तय रही है। सो बात बाबा ने सारो करो है समझ गई। अरे सखियन में दे रही हेरा बगीचा में माली घूम रहा था तो भगवान खड़े मंदिर के पीछे। माली ने कहा भैया कहां से आए हो, क्या नाम है? भगवान ने आवाज दी, ये भैया तुम जी बताओ यहां के तो होना है, कैसे आए हो, ना कैसे ठाणे हो तुम राजा को भागा जी? भगवान ने कही कि यहां तुम्हारे यहां राजा की लड़की को ब्याह हुआ है क्या? हाँ है, बरात तो आ गई, बरनऊ आ गो। भगवान ने कंकन उठा के दिखाओ को जिकाए जो तुम ब्याह के लिए आयो ना बहुना दी को तो कंकन। ए माली ने कही एक बरना बैठा पसों को मां बाग छोड़ दो और जो जाएगी कही रुकम महाराज मेरी सुनो रुकमन की ब्याह है जान तब कह दिए भाई महाराज मैं पाई कचना कह रहा मैं ब्याह की कह रहा हूं और का कहिए अरे एक बरनी ये कहिए क्या बरना तो काहे तू आए अरे के जीजी ये कहिए जीजा तो काहे को आए बरनी अरे के बरनी ये कहिए और ये श्रीमान अशोक कुमार चौहान जी कुनेठा निवासी एक फूल माला और एक पगड़ी से और 200 रुपए से प्यास मंच पर सम्मान किया है। श्री राधे की एक एक पीताम्बर सबको भेंट किया है, परमात्मा सुख समृद्धि देता रहे। महाराज एक लड़का तुम्हारे यहां बरना बन के आया है और एक मिलो वो बाघ में, बाघ में नाम बताओ कि नाम ना बताओ का कि गामू ना बताओ तो फिर कोई पहचान हमारा पहचान तो बता सको तू तो देखो ही है तो पहचान ही बता तो वो माली बाघ वाले बरना की पहचान बता रहा है कि वो क्या यूनिफॉर्म पहन के आया है। घूमा घूमा रो ये घोड़ा से तैयार परम
वरना त्याय ना रेखो बाग में। जो पहचान बताई महाराज, पहचान बता रहा हूं, कालो कंबर पर रहो कना पे, चार घोड़ा सफेद रंग के रथ में, एक दांतेदार पहिया घूम रहा हूं, मोरिया में काउलंगत मार दो, ताइलंगत काट दो। ए,